पुष्पा, आई हेट टीयर्स. देख, अगर मेरे को एक्टिंग आता ना तो फिर मैं फिल्मों में काम कर रहा होता, लेकिन मैं सिर्फ एक्टिंग का रिव्यू कर सकता हूँ. इसलिए तो एलिस्ट विद अरुण में आज हम एक कल्ट क्लासिक मूवी के बारे में आपसे बात करने वाले हैं. थोड़ी सी गलती हो गई, पुष्पा वर्ड यूज करते ही ना ऑटोमेटिकली मैनरिज्म जो है कुछ ऐसा हो जाता है. लेकिन दी ओरिजिनल डायलॉग बिलोंग टू अ ब्यूटिफुल 1970s वाली मूवी. आपने बिल्कुल सही गेस किया, हम अमर प्रेम मूवी के बारे में आज आपसे बात करने वाले हैं एलिस्ट विद अरुण में. A-List with Arvind. पहले बांग्ला फिर हिंदी. निशी पद्मा 1970s में रिलीज हुई, जिसमें अभिनय किया था महानायक उत्तम कुमार ने. उस मूवी के डायरेक्टर का नाम था अरविंदो मुखर्जी. अब अरविंदो मुखर्जी ने स्क्रीन प्ले लिखी फॉर अमर प्रेम इन बोथ बांग्ला एंड हिंदी. प्रॉब्लम ये थी कि उनको हिंदी आती नहीं थी, तो उन्होंने अमर प्रेम की जो पूरी स्क्रिप्ट है वो इंग्लिश में लिखी, जिसका हिंदी अनुवाद यानी ट्रांसलेशन किया रमेश पंत जी ने. जो थोड़ा सा सुख जीवन में मिला है वो ये नहीं है. क्या बात. मेरे जीवन का सबसे बड़ा इशारा. अमर प्रेम के डायरेक्टर थे शक्ति सामंत और उनका विनिंग कॉम्बिनेशन शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना. अब अगर देखिए आराधना हिट हुई, उसके बाद कटी पतंग हिट हुई, सो ही वाज ऑन अ हैट्रिक. वैसे एक अर्बन लेजेंड ये भी है कि अमर प्रेम की ओरिजिनल कास्टिंग के बारे में जब शक्ति दास सोच रहे थे तो बिलीव इट और नॉट ही वाज एक्चुअली थिंकिंग अबाउट जैनी राजकुमार. राजकुमार अमर प्रेम में कुछ खास जम नहीं रहा है, लेकिन देन राजेश खन्ना को ये रोल इतना अच्छा लगा, ये कहानी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने शक्ति दास से रिक्वेस्ट किया कि मैं आपके लिए अपना डेट जो है अकोमोडेट कर लूंगा. उनकी डायरी फुल थी, लेकिन फिर भी सेट पे अगर अर्ली आना होता तो 5 बजे राजेश खन्ना दी सुपरस्टार ऑफ दैट टाइम वुड ऑलवेज अराइव ऑन टाइम. लेकिन राजेश खन्ना की सिर्फ एक शर्त थी कि अनंत बाबू नहीं, इस किरदार का नाम होना चाहिए आनंद बाबू, ताकि ऑडियंस ज्यादा बेटर रिलेट कर सके. अमर प्रेम मूवी के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो कंपोजर और लिरिसिस्ट दोनों का ही मेंशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. एक बड़ा मशहूर किस्सा है कि जावेद साहब ने जब ये सोचा कि वो शबाना आजमी जी से शादी करेंगे, देन ही वाज एक्चुअली थिंकिंग कि दुनिया क्या कहेगी और लोग क्या कहेंगे, और तब उन्होंने जब इस गाने को सुना ही फेल्ट वेरी इंस्पायर्ड. आप गेस कर रहे हैं कौन सा गाना? कुछ तो लोग कहेंगे, गाना हो तो ऐसा लोगों का काम कहना. और जहां एक और हमारे प्यारे पंचम दा ने किशोरदा और लता जी को हिट गाने दिए इन अमर प्रेम, ही ऑल्सो मेड श्योर कि उन्होंने एक बहुत ही स्पेशल कंपोजिशन किया जिसको गाया बर्मन दादा ने, यानी उनके अपने फादर ने. और ऐसा पहली और आखिरी बार हुआ अमर प्रेम इसी उंगली मूवी, जहां पर बर्मन दादा ने अपने बेटे पंचम के लिए एक गाना गाया उनके कंपोजिशन पर. गाना हो तो ऐसा इनफैक्ट अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी इज ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ अमर प्रेम, पंचम दा का सेपरेशन चल रहा था फ्रॉम हिज वाइफ और रहना भी दी जाए वाज एक्चुअली कंपोज्ड इन अ होटल रूम. कैन यू इमेजिन, एक छोटा सा होटल रूम, पंचम दा सैड और डिप्रेस्ड और रहना भी दी जाए ये गाना कंपोज हुआ. अमर प्रेम इज वन ऑफ द कल्ट क्लासिक मूवीज जिसकी कहानी वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम्स. आपको आज का रिव्यू कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए. और हाँ, एक इंटरेस्टिंग सवाल, अगर अमर प्रेम का रीमेक होता है तो आज की तारीख में ऐसा कौन सा एक्टर है जो जस्टिस कर सकता है टू दिस पर्टिकुलर रोल, कमेंट करके जरूर बताइए. एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. मैं हूं अरविंद, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम. अगले हफ्ते एक और नई मूवी, एक और नया किस्सा ऑन ए लिस्ट विद अरविंद. रेडियो नशा.